Okay, very very good afternoon guys. How are you all? Very good afternoon friends. Kaise ho aap log? Okay, Jai Gopal Mayank, kaise hain aap? Aur bataiye baki log kahan hain? Honey aa gaye hain. Very good afternoon honey. बाकी लोगों को बोल दो लेक्चर स्टार्ट हो गया है, मैम आ गए हैं तो जल्दी से बुला लो सबको. पोस्ट द मैसेज ऑन द ग्रुप राइट. मुझे लगता है नोटिफिकेशन भी चला गया होगा. तो प्लीज़ सबको बोलो कि फातिमा मैम आ चुके हैं और अब हमें जल्दी से आना है क्योंकि हमारी ये वाली जर्नी अब हमारी वेट कर रही है नेशनल इनकम. हेलो मैम, गुड आफ्टरनून. वैभव, हे मैम आई एम न्यू ईयर, वेलकम वैभव. एकदम मस्त जबरदस्त. हेलो मैम, हेलो अतुल. शिवांगी, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. शिखा, गुड आफ्टरनून. सिमरन मैडम, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी सब लोग रास्ते में अभी भी? आप अच्छे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है आज सुबह सिमरन ने जो प्राइज जीता था उनका लेने का मन नहीं है. मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया. तो सिमरन अभी आप सुन रहे हो तो मैं आपको वही बता रही हूँ, प्लीज़ टेलीग्राम पे मुझे रिप्लाई कीजिए, मैंने आपको मैसेज किया हुआ है. ठीक है, आपका प्राइस आपका वेट कर रहा है. यस, तो अपना वेरी गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून नेहा. हेलो किंजल, वेयर वर यू? यू वर नॉट देयर क्या आज के विज में? आपका नाम कहीं दिख नहीं रहा था. गुड आफ्टरनून रजत. हेलो प्रभात. वेर आर द अदर्स? बाकी लोग कहाँ हैं? कहाँ छोड़ के आ गया बाकी सब लोगों को? क्यों आज इतनी पढ़ाई कर ली आप लोगों ने? यस टेल मी. चलिए सुबह से इनफैक्ट रहता 11:30 बजे जब हम मिले थे तो आप लोगों ने बोला था कि मैम आज ना बहुत सारी पढ़ाई कर ली हम लोगों ने, बहुत सारे लेक्चर्स हुए हैं. हाँ हाँ शिवांगी, आज क्विज था. कहाँ थे आप? नाम? हेलो करिश्मा. मैम आज थोड़ा काम था घर पर, कोई बात नहीं. चलो तो यस, बाकी लोग जब तक ज्वाइन करते हैं हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. आपको पता ही नहीं था शिवांगी, मैंने अपने पिछले लेक्चर में इतनी बार बोला था. ठीक है, और पिछले स्पेशल क्लास में भी बहुत बार बोला था राइट. सो अब बोल रही हूँ, आज हम लोग अभी यहाँ पे मिल लिए हैं. कल सब लोग सुन लो, कल अनअकैडमी ऐप पे स्पेशल क्लास में हम लोग वापस मिलने वाले हैं 90 मिनट्स के लिए. कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशंस करेंगे हम नेशनल इनकम के बारे में उसमें. ठीक है, सो कल अपना कैलेंडर ब्लॉक कर लो, 11:45 आई बी देयर विद यू और हम लोग मिलेंगे स्पेशल डिस्कशन के लिए. गुड इवनिंग संयुक्ता. क्यों अपर्णा, आप क्यों नहीं थे? हाँ इवन यू वर नॉट देयर. आज एक्चुअली बहुत सारे नए बच्चे थे वहाँ पर जिन्होंने पढ़ावा भी नहीं था एंड दे वर यू नो डूइंग वेरी नाइसली इन द क्विज. पर आप लोग रेगुलर जो थे, आप में से काफ़ी लोग नहीं थे. अभी भी यहाँ पर देखो, आई कैन नॉट सी रंजना, आई कैन नॉट सी और कौन नहीं है राइट. चलो फिर बात नहीं, वो सारा डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे. अभी का सेशन सिर्फ 1 घंटे का है तो हम लोग करते हैं हमारा डिस्कशन चालू. देख सकते हो आप पीछे ग्राफिक्स राइट. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिज़ाइन दिस चैप्टर मोर इंटरेस्टिंगली. बहुत ज़्यादा वीडियो हुआ नहीं है, सो आई एम इन टू प्रोसेस ऑफ दैट. काफ़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करेंगे. चलो ठीक है. सिमरन जी विद खुशबू मैम वाले ग्रुप पे भी नोटिफिकेशन फॉरवर्ड कर दी. ओके मैम, कल पक्का. चलो ठीक है, तो कल हम लोग मिलेंगे कल के स्पेशल सेशन में. हाय गार्गी, हाउ आर यू? ओके, और बाकी लोग जो ऑन द वे हैं, अगर वो आने वाले हैं तो कोई बात नहीं, वो लोग ज्वाइन कर लेंगे. हेलो सुशांत. ओके यस यस यस. अरे मैंने देखा ही नहीं था, मुझे पता ही आईडिया आपका. ठीक है रंजना, वेलकम. ओके चलो, गुड इवनिंग गाइस. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और जल्दी से और भी अगर कोई है जो आने वाला है तो उनको बोलो ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी. ऑडिट वाले नहीं पढ़ेंगे क्या ये? चलो ठीक है. तो विद दिस यहाँ पर हम लोग हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम.
आपकी इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस का चैप्टर नंबर 1 और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने बहुत बेसिक बेसिक डिस्कस किया था, आज भी हम वो बेसिक वापस डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी मुझे किसी ने बोला था कि मैम आई एम न्यू हियर, आई थिंक विशाल, तो उनका भी रिविजन, उनका पढ़ना हो जाएगा और आप सबका रिविजन हो जाएगा। चलो चलो ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे नेशनल इनकम के लेक्चर नंबर 2 पे, राइट। और हमेशा जो हमारा रिचुअल है वो तो मैं पूरा कर ही देती हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन। तो आप में से जो लोग नए हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, उन सब के लिए मैं हूँ स्वाति अग्रवाल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, एंड मैंने मेरा सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था और मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने आ रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का लास्ट पेपर, पेपर नंबर 8, राइट। तो ये सब्जेक्ट जो काफ़ी लोगों के लिए है बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल, और कुछ लोग कहते हैं बहुत सारा थ्योरी है, बोरिंग है, तो उन सबको मैं यहाँ बताने आ रही हूँ ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ सब्जेक्ट विच यू नो इफ़ इट इज़ स्टडीड प्रॉपरली, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस जैसे मैं बताऊं वैसे पढ़ना है और इस आदत को कंटिन्यू रखना है, दैट इज हैशटैग सीए लाइव डेली, ठीक है। काफ़ी लोगों को मैं देखती हूँ कभी आते कभी नहीं आते, तो उनको बोल दो अगर रेगुलर रहोगे तो जब एग्ज़ाम में पेपर अटेंड करोगे तो मार्क्स भी रेगुलर मिल जाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ओके, मुझे लग रहा है इन लोगों का अभी आपस का डिस्कशन चल रहा है। इस बार मैम आपने लाइव का आइकन बड़ा कर दिया, नहीं स्लाइड में ही किया है, ज़्यादा आगे तक नहीं है, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल मैं मेरा ही इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आज, क्योंकि यू नो अगर आप मुझे जान गए तो बाकी सब कुछ तो हो ही गया। हमारी ग्रैंड टीम को आप अच्छे से जानते ही हो, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूँगी कि अगर अभी भी कोई यहाँ पर प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर रहा है, दोनों चैनल्स यानी अनअकैडमी सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट, अगर आपने लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और आपको पता लगता रहेगा कि कौन से टीचर्स कब कौन सा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप में से कोई है जिसने अभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो गाइज यू ऑल कैन यूज़ माई कोड स्वाति 10 एंड बाय सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी प्लस यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन दैट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। यस, बिल्कुल सही बात है, अगर रेगुलर रहोगे तो ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलो, अरे मयंक कह रहे हेलो सिमरन, मयंक आपने मुझे हेलो नहीं बोला, नेवर माइंड। अभी रिगार्डिंग नेशनल इनकम, यहाँ पर आ गए हैं आप लोग के टेबल ऑफ कंटेंट जो हमें इस चैप्टर को ख़त्म करने से पहले पहले सब कुछ पूरे करने हैं, एंड दीज आर द कंटेंट ऑफ ओनली यूनिट नंबर 1, राइट। ओके, हेलो मैम। नाउ तो टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैक्रो एग्रीगेट्स क्या होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स क्या होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। सेकेंड पार्ट इज अबाउट नेशनल इनकम, उसका मीनिंग। देन द थर्ड पार्ट विच आई पर्सनली फील विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मेरा एक क्वेश्चन मार्क था जब भी इस चैप्टर का नाम पहली बार मैंने मेरी लाइफ में पढ़ा था, क्यों मेजर करना है नेशनल इनकम, बिग डील, राइट। तो थर्ड पार्ट में हमें उसी चीज़ का आंसर मिलेगा। फोर्थ पार्ट जो कि अगला क्वेश्चन होता है, ठीक है अब करना तो पड़ेगा, पर कैसे मेजर करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे मेजरमेंट फ्रेमवर्क। जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ अबाउट द बेसिस ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, के क्या क्या बेसिस होते हैं, वॉट आर द टूल्स वी जनरली यूज, फिर की मेजर्स, अप्रोचेस, सिस्टम्स एंड लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस, के मेजरमेंट करने के बाद भी क्या लिमिटेशन चैलेंजेस होते हैं, एंड लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस वेरियस कंटेंट्स जो हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म होने तक पढ़ेंगे। मूविंग टूवर्ड्स पहला पार्ट ऑफ द चैप्टर जो पिछले सेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी किया था, अभी मैं आप लोगों को क्विकली समझा देती हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसको लेके वो बड़ी कंसर्न है, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स इटसेल्फ इज़ वेरी कंसर्न अबाउट फ्यू थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स बेसिकली क्या क्या है, इंटायर इकोनॉमी को एक
सूत्र में बंधे रखने के लिए, एक पूरी इकोनॉमी को अच्छे से समझने के लिए वी नीड टू नो दीज एट थिंग्स. दीज एट थिंग्स आर बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द इकोनॉमी, अबाउट द कंट्री डेवलपमेंट स्टेटस, द टोटल इनकम ऑफ द नेशन, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द नेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें. मयंक कह रहे हैं मैम नोट्स भी साथ में बनवा दीजिए, जहाँ ज़रूरत होगी आई विल टेल यू टू राइट दैट पार्ट. ठीक है, आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर एवरी वन. तो ये जो 8 चीज़ें हैं ये पूरी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बनाती है, राइट फ्रॉम नेशनल इनकम टू एग्रीगेट आउटपुट. क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रेलेवेंट है एक एक चीज़ के आगे मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए. यहाँ पर लिखने का ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर समझने की चीज़ें ज़्यादा हैं. तो पॉइंट नंबर वन, नेशनल इनकम. नेशनल इनकम इज़ द इनकम ऑफ द होल नेशन. वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली किस चीज़ से डील करता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है कि कोई भी इकोनॉमी किस तरह से फंक्शन कर रही है, कैसे उसका प्रोग्रेस हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें तब तक पता नहीं लग सकती जब तक हमें ये पता नहीं है कि उस नेशन का इनकम कितना है, हाउ रिच दैट नेशन इज़, या फिर द नेशन इज़ वेरी मच पुअर. तो जब ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को नहीं पता है ना, तब तक हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस नहीं कर सकते. पॉइंट नंबर टू, एग्रीगेट आउटपुट, दैट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी. ओवरऑल प्रोडक्शन कैसा है, कितना आउटपुट निकलता है एक पीरियड में, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर कितना प्रोडक्शन होता है, कितना मैन्युफैक्चरिंग होता है, कितना सर्विसेज रेंडर्ड होते हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है फ्रेंड्स, कि ये हमें बताता है कि ओवरऑल क्या हम एक्सपोर्टिंग पोजीशन में हैं, या फिर इतना कम प्रोडक्शन है हमारे यहाँ का कि हम लोग सिर्फ इम्पोर्टिंग नेशन बन के रह गए. ओके, टोटल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर वर्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, टोटल एम्प्लॉयमेंट है. आउटपुट नहीं है, एग्रीगेट आउटपुट है. इनकम नहीं है, नेशनल इनकम है. तो जो भी बातें हो रही है ये हो रही है पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड. तो एम्प्लॉयमेंट भी, जो टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो हम लोग हमारी पूरी इकोनॉमी के एम्प्लॉयमेंट की बात करें. इंडियन परस्पेक्टिव से अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी में वर्किंग पॉपुलेशन में, राइट, तो एक जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो कि हम कंसिडर करते हैं, दैट शुड बी द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द नेशन, राइट, ऑब्वियसली बिलो 60 ईयर्स के लोग, और ओवर एटलीस्ट 16 ईयर्स के लोग. सो 16 टू 60 एज ग्रुप के जो लोग हैं हम लोग यहाँ पे उनकी बात करेंगे, और वहाँ देखेंगे कि कितने लोग हैं जो एक्चुअली काम करना चाहते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है. तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इटसेल्फ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एनी इकोनॉमी. टोटल कंजम्पशन, ठीक है, नथिंग इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, सो विच अफेक्ट्स द होल इंडिया. यस, फिर भी दिक्कत होगी मैम, नोट्स भी साथ में बनवा दीजिए. नहीं मयंक, डोंट वरी, आपको रिवीजन के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगी. जहाँ लिखवाना होगा आई विल टेल यू कि लिख लो. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, टोटल कंजम्पशन. एक होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है कंजम्पशन. दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों बहुत रिलेटेड है. किसी भी इकोनॉमी का टोटल कंजम्पशन कितना है वो इवैल्यूएट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन वी नीड टू कंपेयर इट कि क्या हम उतना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. तो इंडिया में कंजम्पशन कितना है, कंजम्पशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा बिकॉज वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन, राइट, इतनी बड़ी पॉपुलेशन बेस है हमारे पास. तो उन सबको हर चीज़ अवेल करवाने के लिए हमें उनका कंजम्पशन देखना होगा कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज है तो उसका कंजम्पशन कितना है. और टोटल कंजम्पशन निकल गया तो उसे हम कंपेयर करते हैं टोटल प्रोडक्शन से, टोटल आउटपुट से, एंड देन वी सी हमारी कंट्री में इतना आउटपुट प्रोड्यूस होने के बाद भी क्या हम कंज्यूम कर पा रहे हैं उसे, राइट. कभी कभी दो, मतलब देयर कैन बी टू डिफरेंट सिचुएशन. नंबर वन, कंजम्पशन इज मच मोर देन प्रोडक्शन, उसका रिजल्ट क्या होता है, स्कैर्सिटी, राइट, नेशनल स्कैर्सिटी. तो उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, सबसे बड़ी चीज़ है इम्पोर्ट करना पड़ेगा. नंबर टू, उल्टा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, कंजम्पशन बहुत कम है, सरप्लस एबंडेंट प्रोडक्शन है, चीज़ें वेस्ट हो रही है, अगेन वो इकोनॉमी अच्छी नहीं है, राइट. तो उसमें आपको दूसरे मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, जो हालत कहीं ना कहीं चाइना की है. उनके यहाँ पे क्या है, बल्क में प्रोडक्शन है, बस प्रोड्यूस करते रहो प्रोड्यूस करते रहो. तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी चीज़ें डंप करने के लिए अलग अलग दुनिया भर में मार्केट ढूंढते हैं, इसलिए वहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत
कम रेट में मिल जाते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द इकोनॉमी, गुड इवनिंग निखिल, यस, सो देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द इकोनॉमी इज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, हाउ मच आई एम सेविंग, राइट, एंड हाउ मच द होल नेशन इज सेविंग एंड वॉट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द नेशन इट्सेल्फ। अगर कोई एक इकोनॉमी किसी एक पीरियड में बहुत सी, अभी जो चल रहा है द करंट पीरियड इज, ये तो पूरी दुनिया के लिए ही बहुत ब्लैक पीरियड है, पर नहीं तो नॉर्मल सिचुएशन में किसी एक इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो कोई दूसरी इकोनॉमी बूम पे होती है, तो अगर हमारे इन्वेस्टमेंट इस तरीके से फैले हुए रहे, डाइवर्सिफाइड रहे, तो एकदम से कभी लॉस नहीं होता, ठीक है। सो हाउ मच द सेविंग्स आर, हाउ मच द एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट्स आर एंड वेयर दे आर एक्चुअली, दैट ऑल्सो डिफाइंस अवर इकोनॉमी इन अ वेरी इंटेलिजेंस बेसिस। नाउ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, सो ओवरऑल इकोनॉमी की डिमांड, ओवरऑल इकोनॉमी में सप्लाई, सी ये सारे टर्म्स हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए अभी मैं इनको ज़्यादा टच नहीं कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट इज जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस, यहाँ पर हम जिस चीज़ के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं, ऑब्वियसली प्राइस लेवल फ्लक्चुएशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ओके ओके। साक्षी कह रही है हेलो मैम, हेलो साक्षी, वसंत कह रहे हैं बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड डिमांड इज मोर, मैम नवंबर 19 एग्जाम दिया था बट नहीं हुआ तो मुझे लेना चाहिए क्या सब्सक्रिप्शन? वैभव मैं आपको फ़िलहाल यही बोलूँगी, कुछ लेक्चर्स अटेंड कीजिए, डेमो देखिए, कल मेरा स्पेशल क्लास है, आप स्पेशल क्लास भी ज़रूर अटेंड कीजिए। स्पेशल क्लास अटेंड करने के बाद यू विल बी वेरी मच एक्वेंटेड विद अवर अन अकेडमी, पूरा प्लेटफॉर्म कैसा है उस चीज़ पे, एंड देन यू टेक योर डिसीजन, राइट, एंड एनीथिंग यू नो, एनी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि आपका इंडिविजुअल डाउट है, अगर आपको मुझे वो पूछना है तो यू ऑल कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, राइट, तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज करो, मेरा हैंडल है @CACSwati, तो वहाँ पर आप ढूंढोगे, मैं आपको मिल जाऊँगी, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, तो हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलो नाउ यहाँ तक ये जो 8 टर्म्स है, जनरल प्राइस लेवल, बिकॉज जनरल प्राइस लेवल अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, डिफ्लेशनरी सिचुएशन, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सब इस एक पॉइंट पे डिपेंड करती है, राइट, तो इकोनॉमी की कंडीशन वहाँ पर पता लग जाएगी। मैम इंस्टा बंद है, ओके, फेसबुक पर मैसेज कर दो, नहीं तो अनअकैडमी पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे आप मुझे अलग से SMS कर सकते, वहाँ पे भी मैसेजिंग का एक सिस्टम होता है, वहाँ आप मुझे मैसेज कीजिएगा वैभव, ओके। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर इंस्टा बंद है तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही होगी। अब बढ़ते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक सेग्रीगेट से हम थोड़ा सा आगे। नाउ अगला पार्ट क्या है, नेशनल इनकम का मीनिंग। नाउ मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, मैम व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पार्ट, व्हाई डू वी नीड टू डू दिस, क्यों निकालना है नेशनल इनकम का मीनिंग, क्योंकि पहले समझ तो लो जो आप पढ़ रहे हो वो है क्या, ओके। तो नेशनल इनकम रेफर्स टू व्हाट, चार पॉइंट्स, चारों से चार डिटेल मीनिंग्स हैं, तो उन चारों को पहले समझ लो। नंबर वन, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सबसे पहले मॉनेटरी वैल्यू निकालना है। नंबर टू, किसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू। नंबर थ्री, प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर सेल नहीं बोला है, यहाँ बोला है प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन, तो जो भी फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स मतलब यहाँ इंटरमीडिएट गुड्स कवर नहीं होंगे, और हम लोग हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं, फाइनल मनी वैल्यू लेंगे, तो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन कंट्री, हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होना जरूरी है, राइट, और कब होना चाहिए, ड्यूरिंग द सेट पीरियड, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर टू, यस, फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने याद करवा दिया था, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो फिर भी हम लोग एक बार क्विकली देख लेते हैं। नंबर टू, एग्रीगेट फैक्टर इनकम विच अराइजेस फ्रॉम द करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय नेशंस इकोनॉमी, तो हमारे लिए नेशनल इनकम क्या है, एक तो फाइनल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, सो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री
ड्यूरिंग अ ईयर, दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट. नंबर टू, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, एग्रीगेट फैक्टर इनकम कितना है. नाउ मैम, फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें पता है. आप लोग जल्दी से मुझे आंसर दे दो लाइव चैट में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, उसका जो इनकम जनरेट होता है, यहाँ पर हम उस फैक्टर इनकम की बात करें, तो जो एग्रीगेट फैक्टर इनकम है किसी एक नेशन की, जो कि गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन से आई है, वो एग्रीगेट फैक्टर इनकम इज नेशनल इनकम. राइट? हाँ जी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आई एम स्टिल वेटिंग, लैग है इतना. यस, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आई थिंक आप लोग लिख रहे होंगे, शायद इसलिए टाइम लग रहा है. आगे आगे आ गया. नाउ, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ही एंटरप्रेन्योर, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. और इनका जो फैक्टर इनकम होता है वो क्या होता है? लैंड का फैक्टर इनकम होता है रेंट, लेबर का होता है वेजेस. वेजेस बोल दो, सैलरी बोल दो, एक ही बात है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से. कैपिटल पे रिटर्न होता है उसका इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है उनका प्रॉफिट. तो जो ये चारों एग्रीगेट्स हैं, राइट, कोई बिजनेसमैन है यार, हम लोग भी हमारे आसपास देखते हैं कौन मिलता है, या तो सैलरीड लोग मिलते हैं, या फिर हमें बिजनेसमैन मिलते हैं, या वर्कर क्लास मिलता है, राइट, प्रोफेशनल मिलते हैं, तो उनकी भी जो अर्निंग है वो प्रॉफिट ही होती है. और लैंडलॉर्ड्स मिलते हैं जो कि रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं. तो ये जो चार कैटेगरी है, ये चारों कैटेगरी की इनकम का एग्रीगेट हमें लेना है जो ड्यूरिंग द ईयर किसी भी पर्सन ने अर्न किया है. नंबर थ्री, टोटल फ्लो ऑफ अर्निंग्स ऑफ फैक्टर ओनर्स विच दे रिसीव थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से जो भी टोटल अर्निंग्स आती है किसी भी फैक्टर ओनर को, दैट इज ऑल्सो नेशनल इनकम. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनी अदर इनकम जो कि रेजिडेंट्स को हो रही है कंट्री के, यानी वो रेजिडेंट चाहे कंट्री में है या नहीं है, दैट इज़ नॉट रेलिवेंट, बट इंडिया के रेजिडेंट को हो रही है, इस फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, या प्रॉफिट के फॉर्म में, तो उसको हम कंसिडर करेंगे नेशनल इनकम में. ओके, तो इन चारों पॉइंट से हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं वो समझिए. सबसे पहले मनी वैल्यू लेना है, किसका लेना है? फाइनल गुड्स और सर्विसेज का लेना है. कब प्रोड्यूस होना चाहिए? ड्यूरिंग द ईयर प्रोड्यूस होना चाहिए. और क्या ले सकते हैं? एग्रीगेट फैक्टर इनकम्स ले सकते हैं. और क्या ले सकते हैं? और कोई अगर फैक्टर ओनर्स को अर्निंग है तो वो भी ले सकते हैं. उसके अलावा कोई भी अर्निंग इंडिया के, हमारी कंट्री के रेजिडेंट को हो रही है, किस किस फॉर्म में? वेजेस के फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में, या रेंट के फॉर्म में, या प्रॉफिट के फॉर्म में, या इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो उसको भी हमें क्या करना है? यहाँ पर कंसिडर करना है नेशनल इनकम में. तो फिर मैम, अब हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन. ये डेफिनेशन याद होगी तो ऐसा लगेगा बस सब कुछ आ गया, राइट? तो डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम गिवन बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO ऑफ इंडिया. तो CSO ऑफ इंडिया नहीं, नॉट ओनली इंडिया, ओवरऑल. सो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया जिसमें इन्होंने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. एक क्वेश्चन आया, पहले वो देख लेते हैं. मैम, फॉरेन कंपनी इंडिया में काम करती है, उसकी इनकम इंक्लूड होगी ना? रुक जाओ वसंत, अभी रुक जाओ. सिर्फ दो या तीन सेशन और, मतलब कल का सेशन स्पेशल क्लास का मैं इंक्लूड कर रही हूँ, तो कल का स्पेशल क्लास का सेशन ज़रूर अटेंड करो, क्योंकि उसके अंदर मैं आप लोग को नोट्स बनवाने वाली हूँ इस चैप्टर के. ठीक है, तो कल के स्पेशल क्लास का इंपॉर्टेंस ये है कि कल मैं आपको वहाँ पर नोट्स दे दूँगी, सो डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड इट. ऑल दोज़ हु आर न्यू एट एन अकेडमी प्लेटफॉर्म, Guys, understand the special classes are additional classes which are free of cost. All you need to do is download an academy app, search the name of the educator, select your course and search the name of educator, और उनकी आने वाली जो भी classes हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी. Okay? तो वहाँ पर I think आज का session, कल का session और एक दो session होने दीजिए. वसंत, आप खुद अपने question का answer दोगे और मैं आपको याद दिलाऊंगी ये वाला question. Okay? कल के सेशन के टाइमिंग, कल स्पेशल क्लास की टाइमिंग है 11:45. अगर आप में से कोई भी टेलीग्राम पे नहीं है तो प्लीज़ गाइस टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, राइट? तो आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, विच इज़ अन अकेडमी CA फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट. ओके, तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारे लेक्चर्स के लिंक्स मिल जाते हैं, राइट? आई थिंक काफ़ी डिटेल आ गई है यहाँ पर. अब हम आ जाते हैं हमारे डेफिनेशन पे. अकॉर्डिंग टू सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, CSO कहता है नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री
नेशनल इनकम, राइट? अलग अलग पार्ट है, मार्क कर लो. नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. टोटल जो भी फैक्टर इनकम्स हैं, किस फॉर्म में, वो चारों फॉर्म नीचे आने वाले हैं, तो जो भी टोटल फैक्टर इनकम है उसका सम टोटल. बट आगे किसने जनरेट किया है? नॉर्मल रेजिडेंट ने जो जनरेट किया है. आई थिंक ये जो लाइन है ना, उससे काफ़ी क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं, पर और ज़्यादा समझेंगे जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स पे आएंगे, यानी मेजरिंग टूल्स पे आएंगे. तो फिलहाल मैं शॉर्ट में रखती हूँ इस चीज़ को. सो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन एन अकाउंटिंग ईयर, राइट? तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आपको चाहिए तो आप एरो डायग्राम बनाकर भी याद कर सकते हो, इसको ट्री डायग्राम बनाकर भी याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत सिंपल है. ठीक है, दो बार मैं बोल देती हूँ, सुनने से बहुत जल्दी याद होती है चीज़ें, तो एक बार और सुन लो. नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, तो कब होना चाहिए? अकाउंटिंग ईयर में होना चाहिए. किस फॉर्म में होना चाहिए? फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में होना चाहिए. और एग्रीगेट इनकम को हम कंसिडर कर रहे हैं, और उस अकाउंटिंग ईयर की इनकम को ही हम कंसिडर कर रहे हैं. अकाउंटिंग ईयर का मतलब जिस ईयर में गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, ना कि उसका पेमेंट आया. तो सपोज बींग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने किसी को कंसल्टेशन सर्विसेज दी थी 27 मार्च 2020 को. उसका पेमेंट उन्होंने मुझे दिया 15 अप्रैल 2020 को. 15 अप्रैल 2020 ईयर चेंज हो गया, अकाउंटिंग ईयर चेंज हो गया हमारा, बट स्टिल मेरी वो सर्विसेज कंसिडर की जाएगी पिछले ईयर में, जो कि 31 मार्च 2020 को ख़त्म हुआ है, उस साल में कंसिडर की जाएगी, क्योंकि उस साल मैंने कंसल्टेशन दिया था, सर्विसेज का प्रोडक्शन उस साल में हुआ. ठीक है, तो इसलिए नेशनल इनकम वो पिछले साल की इनकम में कंसिडर करेंगे, इस साल की इनकम में कंसिडर नहीं करेंगे. इनकम टैक्स में भी हमने यही पढ़ा है, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, राइट? अक्रूड और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, या ड्यू या रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर. ड्यू बेसिस पे हमारे इनकम टैक्स में भी हम इनकम कैलकुलेट करते हैं. तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, कुछ नया नहीं है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फिशर, फिशर जी हर जगह पहुँच जाते हैं अपनी गाइडलाइंस, अपनी डेफिनेशंस लेकर. उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो बड़ी ही सिंपल सी है. उनका कहना है नेशनल इनकम इज नॉट डिटरमाइंड बाय एनुअल प्रोडक्शन, ही सेड इट इज डिटरमाइंड बाय एनुअल कंजम्पशन. तो आगे जब हम लोग कंजम्पशन फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, तब इनकी डेफिनेशन को हम ज़्यादा बेटर रिलेट कर पाएंगे. ओके, यस. सो डोरा से मिल लो, ये आपकी पूरे चैप्टर की जर्नी में आपका बहुत साथ देने वाली है. आपको जगह जगह पे, यू नो, वेन एवर यू विल फील डाउन, यू विल फील कि बहुत थ्योरी हो गया, तो ये बीच बीच में आ जाएंगे आपसे मिलने. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, पर्पज ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. मैम आपने ये तो बता दिया नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है, मीनिंग में आपने वो चार चार पॉइंट्स भी हम लोग को याद करवा दिया, पर मैम अब ये भी बता दो पर्पज क्या है. तो बेसिकली मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, गवर्नमेंट है, इकोनॉमिस्ट हैं, अकाउंटेंट्स हैं, और जो अलग अलग बिजनेस एंटिटीज़ हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेशनल इनकम जानना, क्योंकि ये तो पता लगे कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी स्टैंड कहाँ करती है. अभी इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिस्कशंस हुए थे हमारे लाइव चैट पे भी, स्पेशल क्लासेस में भी, कि मैम एक चीज़ और बताओ हमें, कि काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ है जो चाइना से अपना सब कुछ बोरिया बिस्तरा बांध के, यानी सब कुछ उठाकर अब इंडिया में शिफ्ट हो रही है आफ्टर दिस कोरोना सीन. तो इंडिया में अगर वो कंट्रीज शिफ्ट हो रही है, तो हमारी इकोनॉमी पे उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? तो ऑब्वियसली मैंने उस समय आपको आंसर बताया था, इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. दूसरा एक क्वेश्चन जो यहाँ पर हमेशा चल रहा है कि मैम वो शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, कैसे होगा? तो सोचो एक इतनी बड़ी कंपनी, अ कंपनी विद अ वर्थ ऑफ मिलियंस, राइट? वो कंपनी अगर एक कंट्री से उठकर दूसरी कंट्री में आ रही है, तो वो कुछ बेसिक चीज़ें तो देखेगी कि उस कंट्री में है या नहीं. और वो जो बेसिक चीज़ें हैं, वो बेसिक चीज़ें मतलब क्या, ओवरऑल वो कंट्री जहाँ पर वो लोग आ रहे हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो कंट्री अपने आप में क्या इतनी डेवलप्ड है या नहीं है कि वो कंपनी अगर उस कंट्री में आती है तो बेसिक प्रोडक्ट्स के लिए वो उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. सो सिंपल है, अगर मुझे एक कंपनी सेटअप करनी है एरिया ए में, राइट, तो मैं सबसे पहले देखूंगी कि वहाँ पर अगर मुझे रॉ मटेरियल चाहिए तो उसका डिलीवरी किस मोड से आएगा. इज़ इट द रोड मोड, इज़ इट बाय एयर और बाय वाटर,
तीनों में से जो भी मोड है वो कितना प्रॉपर है, तो हर कंट्री का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चेक होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है या नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए क्या देखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि उस कंट्री में इतनी इनकम तो है कि वो हमें इतना सब कुछ दे सकेंगे. यस, और अगर ऐसी कोई कंपनी हमारे कंट्री में आती है तो ऑब्वियसली सोचो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, राइट? तो गवर्नमेंट वो रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए उन कंपनीज को बहुत सारे सपोर्ट प्रोवाइड करती है, पर वो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के खुद के पास तो इनकम होना चाहिए. तो ऑल द स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हमें ऐसा यू नो कभी ध्यान भी नहीं आता, हम लोग कभी सोचते भी नहीं है, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग के लिए. टू टेक अ प्रॉपर इकोनॉमिक डिसीजन, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ स्पेसिफिक पर्पस पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, उसका लाइसेंस स्ट्रक्चर कैसे, टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा. ये सिंपल है ना, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. एक कंपनी अगर एक सिटी में आती है एंड सपोज बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, सो नहीं पूरा अगर इंडस्ट्री आ रही है तो 100 लोगों को भी चलिए हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो जो 100 लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना, वो सिर्फ 100 नहीं, वो 100 फैमिलीज है. पर फैमिली अगर हम लोग 3 मेंबर भी कंसिडर करते हैं तो उस सिटी में मूवमेंट, उस एरिया में मूवमेंट होता है 300 लोगों का. 300 लोगों के पीछे एडिशनल जो डेवलपमेंट होगा, और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो आप सोच भी नहीं सकते हो. ग्रॉसरी शॉप्स आ जाएगी, स्कूल्स आ जाएगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ आ जाएगी, हो सकता है एक छोटा क्लिनिक खुल जाए या कोई हॉस्पिटल भी खुल जाए, स्कूल्स ओपन हो जाएगी, तो अपने आप में वो एरिया भी तो अपने आप डेवलप हो जाएगा. सो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू होगा सिर्फ उस कंपनी से नहीं मिलता है, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ से मिलता है, और इनडायरेक्टली जो ये अलग लोग हैं जो इम्पैक्ट होते हैं उन लोगों से भी मिलता है. 300 लोग, राइट? होटल्स खुल जाएंगे, जिम्स खुल जाएंगे, तो वो हो सकता है एकदम बेकार सा एरिया डेवलप हो जाए, राइट? मुझे लगता है आप लोगों ने सुना ही होगा इंडस्ट्रियल पार्क का कॉन्सेप्ट. तो जो इंडस्ट्रियल पार्क्स का कॉन्सेप्ट है वो यही है, गवर्नमेंट डेवलप करके देती है कुछ इस तरह के बैकवर्ड एरियाज़ को, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आसानी से पहुँच सकता है और उससे लोगों को इस तरीके से बेनिफिट होता है. ओके, यस, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे 4 स्पेसिफिक पर्पस पे. जो इस स्लाइड पे, नंबर 1, टू प्रोवाइड कंप्लीट अकाउंटिंग एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. किसी भी इकोनॉमी का शॉर्ट टर्म का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फाइंड आउट करना नेशनल इनकम कैसा है. वैसे भी इंडिया की डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज़्यादा है. हाँ, एग्रीड, पर अच्छी चीज़ ये है, हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें मैक्सिमम पीपल आर इन द वर्किंग एज ग्रुप, राइट? तो अनलाइक सम कंट्रीज जहाँ पर बहुत एजड पॉपुलेशन है या बहुत यंग पॉपुलेशन है, वी हैव द मोस्ट यंग पॉपुलेशन इन आर कंट्री. और मैं आपको बताती हूँ ना, जब भी इस तरह की कोई भी दुखी वाली बात होती है तो मैं आपको उसका दूसरा साइड दिखाती हूँ. सो इन आर कंट्री वी हैव मैक्सिमम क्वांटम ऑफ यंग वर्किंग क्राउड, यू नो पोटेंशियल वर्किंग क्राउड. तो अगर हम लोग चाहें तो हमारी इकोनॉमी को बहुत जल्दी बहुत अलग लेवल तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द ओल्डेस्ट कल्चर वाली कंट्री विच इज़ हैविंग द मोस्ट यंग पॉपुलेशन इन इट, राइट? तो अगर मोदी जी का स्पीच सुना होगा तो वो ये हमेशा ये बात करते हैं, इट इज़ अ फैक्ट, द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ आर नेशन इज इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 60. ओके, नंबर 2, to give a clear picture of the economy regarding GDP, NDP, disposable income, consumption, per capita income and saving. मैंने जब पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ा था और मैंने ये वाला वर्ड जब पढ़ा था ना, पर कैपिटा इनकम, तो इस चीज़ पे मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया था कि यू नो ये कितना परफेक्ट है. तो लेट मी टेल यू गाइस, प्रैक्टिकली पर कैपिटा इनकम वैसे देखा जाए ना तो बहुत प्रैक्टिकल टर्म नहीं है, यू नो इट इज़ अ टिपिकल थियोरी टर्म, क्योंकि पर कैपिटा इनकम में हम उस बंदे की इनकम भी कंसिडर कर रहे हैं जो शायद एक घंटे का 1 करोड़ कमा रहा है, और हम उस बंदे की भी इनकम कंसिडर कर रहे हैं जो एक दिन के 100 रुपये कमा रहे हैं. तो इसलिए पर कैपिटा इनकम, और हाँ ऐसे भी लोग जो कुछ भी नहीं अर्न कर रहे, मतलब एक साल के 100 रुपये भी नहीं अर्न कर रहे, तो उन सब की इनकम का अगर हम एवरेज निकालते हैं और पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो बहुत कोई क्लियर और करेक्ट पिक्चर नहीं देखने को मिलती है. बट फिर मैंने सोचा कि ये निकालते क्यों हैं लोग, नहीं, व्हाट इज़ द पर्पस.
तो मुझे समझ में आया छोटे से एग्जाम्पल से, आज अगर आप किसी स्कूल में भी जाते हो एडमिशन कराने या फिर जनरल भी हम किसी से बात करते हैं, तो एक कॉमन चीज़ सामने वाले के दिमाग में होती है, दैट पर्सन जस्ट वॉन्ट टू नो वॉट इज़ द फैमिली इनकम, राइट? एंड कहीं ना कहीं दिमाग में कैलकुलेशन चलता है कि ठीक है, इस फैमिली का इनकम महीने का 20,000 है और इस फैमिली में एक ही पर्सन है, राइट? मतलब वो फैमिली नहीं है, सिंगल इंडिविजुअल पर्सन है, आगे पीछे कोई नहीं है, 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो वी जनरली से ठीक है, मतलब फॉर अ सिंगल पर्सन इट इज़ अ फेयर अमाउंट टू अर्न। बाद में जब फैमिली बढ़ेगी, इसका इनकम भी बढ़ जाएगा, तो ये अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, यही इनकम किसी पर्सन ने बताई, एक दूसरे पर्सन ने बताई कि येस आई एम अर्निंग 20,000, और फिर वो अगर बोलता है कि आई हैव 6 फैमिली मेम्बर्स इन टोटल एंड दैट इज़ द टोटल इनकम विच आई अर्न, तो मन में दया आ जाएगी कि अरे यार बेचारा सिर्फ 20,000 कमा रहा है, पूरी फैमिली है सपोर्ट के लिए, दैट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर हिम। तो वहाँ हमने बैठे बैठे पता है क्या किया, हमने पर कैपिटा इनकम निकाल लिया अनइंटेंशनली, राइट? तो दैट इज़ द पर्पस। उससे क्या पता लगता है मैम? उससे ये पता लगता है ऑन एन एवरेज कंट्री में कितना इनकम अर्न हो रहा है। ओके मैम, पर कैपिटा इनकम रॉन्ग है ना? किसी पर्टिकुलर एरिया के इनकम लेवल को जानने के लिए, ऊपर भी कुछ लिखा था शायद आपने, देन इसमें अंबानी जी की भी इनकम है और उस लेबर की भी इनकम है जो 300 रुपये पर डे, कंट्री कितनी रिच है या पुअर वो मालूम पड़ जाता है। एग्जैक्टली गाइस, तो पर कैपिटा इनकम वैसे देखा जाए तो अर्वन सिटी इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, बट यस कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया लग जाता है कि ओवरऑल क्या लिविंग स्टैंडर्ड इस कंट्री का होगा। ओके एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन एक्चुअली कंपेयर, आप गूगल कर लो, गूगल पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं। इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है, कुवैत का पर कैपिटा इनकम कितना है, US का पर कैपिटा इनकम कितना है, एंड टेक वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कंट्री, कोई भी एक बैकवर्ड कंट्री का उठा लीजिए और उसका पर कैपिटा इनकम कितना है, यू विल गेट अ रेंज एंड यू विल अंडरस्टैंड कि येस पर कैपिटा इनकम इज समवेयर रिलेटिंग टू द रिचनेस ऑफ द नेशन। ओके नेक्स्ट, टू इवैल्यूएट लिविंग स्टैंडर्ड एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर लेवल ऑफ कंजम्पशन पैटर्न। हमारा जो भी कंजम्पशन पैटर्न है, हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर लेवल है, कहीं ना कहीं वो भी पता लग जाता है। तो अगेन, अगर मुझे इनकम पता लग गई किसी पर्सन की, तो मैं आराम से इवैल्यूएट कर सकती हूँ व्हाट काइंड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड दैट पर्सन मस्ट बी मेंटेनिंग। लिविंग स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी बेसिक, क्या बेसिक स्टैंडर्ड वो लोग फॉलो कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स द पर्सनल हाइजीन, इट इंक्लूड्स द ईटिंग हैबिट्स। तो लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर खाने पीने से लेकर लग्जरी तक के सारी चीज़ें कंसिडर होती है। नंबर 4, इंडिकेट द वे इन विच इकोनॉमी फंक्शंस। हमारी इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन कर रही है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव आते हैं कि जिससे लोग इनकम निकाल सकते हैं। नॉर्वे का ज़्यादा है, ठीक है, मैंने वैसे भी अभी आप लोग को होमवर्क दिया है, होमवर्क पता करो, कल डिस्कस करते हैं स्पेशल क्लास में, क्योंकि स्पेशल क्लास में वैसे भी डिस्कशन बेटर होता है, राइट गाइस? दूसरा, 90 मिनट्स का सेशन है, बहुत डेप्थ में हम लोग सर्जरी कर सकते हैं नेशनल इनकम, राइट? वसंत, क्योंकि आप नए हो, आपको पता नहीं है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ हैबिट, एक चैप्टर हम लोग कर चुके हैं मनी, दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर विच इज़ गोइंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब पे भी और स्पेशल क्लास में भी। तो हम लोग किसी भी चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और हम उसका पूरा एनालिसिस करते हैं ताकि कभी भी एग्जाम में कुछ भी आ जाए हम लोग आंसर करके आ सकते हैं, राइट? नंबर 5, इट हेल्प्स गवर्नमेंट टू डिसाइड नेशनल प्रायोरिटीज लाइक एजुकेशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। सोचो, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर 90% लोग बेसिक खाने के लिए तरस रहे हैं, उनको दो टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या होगी? वहाँ की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी कैसे भी करके फूड अरेंज करवाना है, राइट? सिमिलरली दूसरी कंट्री है जहाँ पर खाने पीने को लेकर उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादातर पॉपुलेशन दूसरे अदर फैक्टर्स से परेशान हैं, तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट फोकस कर सकती है उन दूसरे इश्यूज से लाइक एजुकेशन, लाइक प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सो ऑन, ठीक है? बट अगर किसी कंट्री की हालत इतनी ख़राब है तो उस केस में पहला फोकस होगा कि कैसे हम हमारे सिटीजंस को खाना बेसिकली प्रोवाइड करें। यस शिवांगी, करेक्ट, फूड। नंबर 6, to determine the level of economic welfare, that is distribution of national income etc. तो नेशनल इनकम है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, हमारा इकोनॉमी
कैसा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, व्हाट इज़ द वेलफेयर लेवल ऑफ द नेशन, वो सब कुछ यहाँ पर कवर होता है। नंबर 7, नेशनल इनकम का पर्पस और क्या है। कई सारे सेक्टर्स हैं जो इंटर रिलेटेड है, उनका इंटर रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें, टू प्रोवाइड द डेटा बेस फॉर असेसिंग एंड चूजिंग इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फर्दर इवेल्यूएट चूजन पॉलिसी। हमने 5 साल के लिए एक फिस्कल पॉलिसी बना तो दी, ज़रूरी थोड़ी इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं अभी आ गए। किसी ने सोचा था कि एक ऐसा पीरियड आएगा कि सब शॉप्स बंद करके बैठना पड़ेगा, एक ऐसा पीरियड आएगा कि हम लोग याद करेंगे कि कभी हम बाहर जाते थे और स्ट्रीट फूड खाते थे। तो ये जो सारी चीज़ें नो वन हैव थॉट अबाउट इट, तो पुरानी जो पॉलिसीज बन गई वो उस समय के हिसाब से बनी, पर उनको टाइम एंड अगेन रिव्यू करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो पॉलिसीज़ का एनालिसिस करना है, ये सब करना है, उसके लिए क्या पता होना चाहिए। पीरियोडिकली नेशनल इनकम के चेंजेस तो पता होने चाहिए, अभी कम हो रही है तो उसको कैसे बढ़ाएं, कौन से सेक्टर्स है जहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो एटलीस्ट वो ओवरऑल नेशन को सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंसिडर होती है। पॉइंट नंबर 9, टू डिटरमाइन मॉनिटरी सर्जन बन जाते हैं चैप्टर के हम लोग। वेरी करेक्ट मैम, अब तो 5 ईयर प्लान नहीं बनते, 5 ईयर प्लान्स नहीं बनते, बट यस पॉलिसीज बनती है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको याद होगा तो हमने मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जब देखा था तो हमने देखा था कि 5 साल के टारगेट ज़रूर दिए हैं RBI को गवर्नमेंट ने। तो देर आर प्लान्स, देर आर पॉलिसीज विच आर मेड फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, और शॉर्ट टर्म में वो वापस रिव्यू होती रहती है। यस आई नो, बंगाल में कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है। यस यस सिमरन, आई नो। तो ये जो सारी चीज़ें, ये क्या नेशनल इनकम को अफेक्ट नहीं कर रही है? बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, पर गवर्नमेंट किस तरीके से फिर भी चीज़ों को मैनेज कर सकती है वो देख रहे हैं। तो अभी उनका स्पेशल फोकस है उन सारे सेक्टर्स पे जो इस लॉकडाउन में भी बहुत स्पीड से ग्रो हो रहे हैं। नेक्स्ट, टू परफॉर्म इकोनॉमिक फोरकास्टिंग टू मेक कंपेरिजन ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टैटिस्टिक्स, एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट रेशियोज टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ, हफ्ते में 2 दिन, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी का डिस्कशन हम लोग देखते रहेंगे बीच बीच में। यहाँ तक मुझे बताइए समझ में आपको, पर्पस क्या है नेशनल इनकम मेजर करने का? तो सिंपल है, नेशनल इनकम इसलिए मेजर करनी है कि हमें देखना है कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में क्या जरूरत है, इकोनॉमिक लेवल देखना है हमें नेशन का, देन पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट अपनी प्रायोरिटी बेटर डिसाइड कर पाए, दैट इज़ वन ऑफ द पर्पस। डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर लेवल, इंटर रिलेटेड सेक्टर्स को इवेल्यूएट करना, डेटाबेस प्रोवाइड करना पॉलिसी के असेसमेंट के लिए, मॉनिटरी फिस्कल और ट्रेड पॉलिसी की ग्रोथ चेक करना, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग करना और सारी चीज़ें प्रॉपरली सेटअप करना, दैट वॉज द पर्पज ऑफ इवेल्यूएटिंग और मेजरिंग नेशनल इनकम। यहाँ तक सबको समझ में आया, राइट? तो यू ऑल कैन आंसर 7 पॉइंट टू इंटररिलेट डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अलग अलग सेक्टर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दैट इज अवर इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन द अदर सेक्टर इज मे बी द सर्विस सेक्टर। अभी के टाइम में इंडस्ट्रीज की हालत बहुत ख़राब है, ठीक है? सो करंट सिचुएशन से रिलेट करके मैं आपको पॉइंट नंबर 7 समझाती हूँ। तो यू नो देर डिफरेंट सेक्टर हुआ वेरी मच इंटर रिलेटेड। अभी के टाइम में क्या हालत है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत ख़राब है, बैंकिंग सेक्टर की हालत उतनी ख़राब नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की जब हालत ख़राब होती है तो क्रेडिट लेने बैंक्स के पास ही जाते हैं, राइट? तो इंडस्ट्रीज़ वेंट टू बैंक, बैंक से क्रेडिट मांगा, और इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी अभी थोड़ी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लूज़ कर दी, क्योंकि उनको पता है मार्केट में मनी का सप्लाई कम है, उन्होंने बैंक्स को ज़्यादा क्रेडिट्स देने की परमिशन दे दी। कैसे? CRR कम करके, ओके? और कैसे? रेपो रेट कम करके। वो कम होने से क्या हुआ, हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, किसको? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। इंडस्ट्रियल सेक्टर वापस अब धीरे 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 बकअप करेंगे और फिर वो सेक्टर्स इनकम प्रोड्यूस करेंगे। सो बेसिकली नेशनल इनकम अगर हम मेजर करते रहे तो हमें पता रहता है कि कब कहाँ क्या चीज़ रुक रही है, और उस रुकती हुई चीज़ को वापस एस्केलेट करने के लिए हमें नेशनल इनकम पीरियोडिकली मेजर करना पड़ता है, ओके? तो दीज आर द पर्पसेस ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अगला पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज
मेजरमेंट फ्रेमवर्क, दैट इज़ द थिंग विच वी नीडेड टू डू टूडे. पर मुझे लग रहा था कि पुराना बेसिक वापस करवाना बहुत ज़रूरी है. नाउ पॉइंट नंबर वन, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. ओके, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क सेज कि एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग मेजर डेवलप हुआ है, यूनाइटेड नेशन ने डेवलप किया है. सो दिस इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स विच आर डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशन एज अ कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्चुअल एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क टू इट्स मेंबर कंट्रीज. तो सिंपल है, नेशनल इनकम, ठीक है मैम आपने बोला क्या होता है हमने समझ लिया, उसका डेफिनेशन भी हमने याद कर लिया. फिर आपने ये बताया कि पर्पस क्या है नेशनल इनकम मेजर करने का, हमने वो भी समझ लिया और हमें अब पता लग गया कि हमें नेशनल इनकम मेजर करना पड़ेगा. पर अब हम मेजर करें कैसे, व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. सो देर आर सम स्टैंडर्ड मेजर्स, देर आर सर्टेन स्टैंडर्ड टूल्स विच आर प्रोवाइडेड बाई यूनाइटेड नेशन टू ऑल इट्स मेंबर कंट्री. आप सोचो ना, इंडिया अगर अलग तरीके से नेशनल इनकम मेजर करती है, कुछ चीज़ें इंक्लूड करती है, कुछ नहीं इंक्लूड करती है, US अपने हिसाब से मेजर कर लेगा, UK अपने हिसाब से कर लेगा, पाकिस्तान, नेपाल, सारे 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 नेशंस, चाइना अपने 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 हिसाब से मेजर कर रहे हैं. तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, हमने कुछ चीज़ इंक्लूड नहीं की, उन्होंने वो चीज़ इंक्लूड की, ऑटोमेटिकली उनकी इनकम ज़्यादा दिख जाएगी. अरे ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान की नेशनल इनकम हमारी इनकम से ज़्यादा दिख जाए. हम अगर ईमानदारी से मेजर कर रहे हैं और वो कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो कुछ भी तो हो सकता है. तो अगर ऐसा हो रहा है कि कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि कंपेयर कैसे करोगे कंट्रीज़ को. तो नेशनल इनकम मेजरमेंट का एक पर्पस कंपैरिजन भी होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ का, हम लोग नहीं कहते वेदर इट इज़ डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप, नेशनल इनकम प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दैट एज वेल. पर वो कंपैरिजन होगा ही नहीं अगर स्टैंडर्ड प्रोसीजर ना हो. So to maintain the uniformity, correct ma'am, to maintain the uniformity, United Nation ने कुछ conceptual और accounting framework दिए हैं जिसे हम follow करते हैं. India में ma'am हम क्या follow करते हैं, और India में is there any authority जो कि ये सारा काम करती है? बिल्कुल, India में national income is compiled by the Central Statistics Office. तो जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स मेजर करते हैं, सो दिस ऑफिस मेजर्स, जिसे हम CSO कहते हैं. सो CSO बेसिकली मेजर्स एवरी सच थिंग. द फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज कॉल्ड नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स. तो NAS, NAS जो है वो बेसिकली इवेल्यूएट करते हैं, मेजर करते हैं कि हमारी कंट्री का नेशनल इनकम कैसा है, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन. तो इनको ये ड्यूटी दी गई है कि आप करेक्ट नेशनल इनकम का डेटा कंपाइल करके प्रोवाइड करोगे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को, ठीक है. दूसरा, द डेटा ऑफ द नेशनल अकाउंट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. क्योंकि दूसरा क्वेश्चन यही माइंड में आता है, हमने बोल तो दिया NAS को कि तुम जाओ सारा डेटा कलेक्ट करके लाओ, पर वो बेचारे लाएंगे कहाँ से, कंट्री अपना झूठा डेटा शो करेंगे, जस्ट लाइक कोविड केसेस. वेरी करेक्ट शिवांगी. ना तो डेटा फॉर नेशनल अकाउंट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज. अब वो आते कहाँ कहाँ से, ऑब्वियसली नंबर वन टैक्स रिटर्न से, देन रिटेल सेल्स के स्टैटिस्टिक्स से. तो अगर कोई दुकानदार बोलता है कि मेरा इनकम ना ज़्यादा नहीं है, मेरा साल का इनकम 1 लाख ही होता है, हम लोग कहेंगे हाय कितनी कम इनकम है, बेचारे को महीने का 10,000 रुपये भी नहीं मिलता, करेक्ट. और फिर पता चला कि वो जो सेल्स कर रहा है उसकी मंथली सेल्स ही 10 लाख होती है. तो एक बंदा महीने का सेल्स टर्नओवर, आई एम नॉट टेलिंग यू प्रॉफिट, टर्नओवर सेल्स 10 लाख कर रहा है, हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट ही इज़ नॉट अर्निंग इवन 1% ऑफ दैट, राइट? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. या तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, नहीं तो वो पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, ओके. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेल्स स्टैटिस्टिक्स क्रॉस टैली करते हैं, देन एम्प्लॉयमेंट डेटा भी चेक करते हैं. तो यहाँ पर वो पूरा कंपाइलेशन होता है जो मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता. ये मम्मीज नहीं बोलती कि जितना आप मुझे महीने के घर खर्च के लिए देते हो ना, उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, वो चीज़ यहाँ नहीं हो सकती. गवर्नमेंट बकायदा पूछेगी कि अगर जितनी तुम इनकम अर्न कर रहे हो उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, वो कैसे पॉसिबल है, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं. तो एम्प्लॉयमेंट डेटा निकालते हैं, रिटेल सेल्स डेटा निकालते हैं, और टैक्स का इनकम टैक्स के रिटर्न चेक करते हैं, ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं, ओके. नेशनल इनकम मेजरमेंट फ्रेमवर्क का नेक्स्ट पार्ट,
इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दिस इज अगेन द नेक्स्ट चेक. रेशियल इनकम इज मेजर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज विच क्रिएट फूड एंड सर्विसेज दैट आर एक्सचेंज इन द मार्केट एंड आर वैल्यूड एट मार्केट प्राइस. जो भी हमारे गुड्स और सर्विसेज हैं राइट, जो कि मार्केट में बिकने जाते हैं. एग्जाम्पल दो चीज़ें हैं, ध्यान से समझो, कंपेरेबल है पर बहुत बहुत अलग है राइट. एक है यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट. मैम कैसी बातें कर रहे हो, अभी कहाँ जा रहे हैं? पर ठीक है, जब जाते थे तब का एग्जाम्पल. ओके, सो यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट, यू हैड योर डिनर और फिर आपने उसका बिल पे किया. सपोज 1000 रुपीज़ का बिल आया, आपने बिल पे कर दिया. इज इट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी? येस. हैव यू पेड फॉर दैट? येस. विल इट बी पार्ट ऑफ नेशनल इनकम? येस. ठीक है, वही खाना आपने अपने घर में खाया, मम्मी ने बनाया, जो आपने होटल में खाया था उसे बहुत बेटर बनाया, टेस्ट में भी अच्छा था, खाने में भी अच्छा था, आपको पसंद भी आया, सब कुछ हो गया. पर हैव यू पेड फॉर दैट? नो. इज इट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? नो. बट शी मेड फूड फॉर यू राइट. अगर वो कहीं और जाके बनाते तो शायद शिल बी पेड, बट क्योंकि उन्होंने घर पे बनाया था आउट ऑफ द नेचुरल लव एंड अफेक्शन विच शी हैज़ फॉर यू राइट, फॉर द होल फैमिली, तो उसके लिए, बिकॉज शी इज़ नॉट डूइंग इट आउट ऑफ द इकोनॉमिक पर्पज, वो अर्न करने के मोटिव से वो काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगा? मैम वहाँ गुड्स प्रोड्यूस्ड है ना, करंट ईयर में प्रोड्यूस्ड है ना, पर हम उसका मॉनेटरी वैल्यू चाहकर भी नहीं निकाल सकते. ओके, दैट इज वाई दैट वोंट बी पार्ट ऑफ योर नेशनल इनकम. मैम मेरा नेट बहुत वीक चल रहा है सो मैं रिकॉर्डिंग देख लूँगा. ठीक है, जितना देख सकते हो उतना तो कंटिन्यू करो. हाँ, नो 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 नो, आंसर आ गया. एग्जैक्टली, बिकॉज इट काउंट इन GDP. ओके, सो गाइज बेसिकली ये चीज़ समझिए कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, एनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच जनरेट्स गुड विच कैन बी एक्सचेंज इन द मार्केट, दे कैन बी वैल्यूड एट अ प्राइस, और उस प्राइस को हम कहते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं क्योंकि हम करना चाहते हैं. लाइक एनी पर्सन, यू नो, अ स्कूल टीचर राइट. अगर टीचर है जो स्कूल में आके पढ़ा रही है, वो स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, और अगर वहाँ पर उनको कुछ सैलरी मिलती है तो वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी. वही टीचर घर जाकर अगर अपने बच्चों को पढ़ा रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक हॉबीज, एक्टिविटीज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ऑल्सो क्रिएट्स गुड्स एंड सर्विसेज, बट दे आर नॉट एक्सचेंज इन द मार्केट. वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर क्रिएटिंग सम गुड्स बट दे आर नॉट एक्सचेंज इन द मार्केट, सो दे डू नॉट हैव मार्केट वैल्यू, तो फिर वो मेजरमेंट नहीं कर सकते हम नेशनल इनकम में. आई बात समझ में? मैम अभी मिलना भी नहीं हो रहा. एग्जैक्टली. चलो, सो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ में आ गई आपको, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं ना नेशनल इनकम के, यहाँ पर बड़ी गड़बड़ हो जाती है काफ़ी लोगों से. तो आई होप ये अच्छे से समझा होगा. चलिए इसी बात पे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से. हैव यू हर्ड वन ऑफ द शेफ्स नेम संजीव कपूर? नाम सुना है ना उनका? राइट, तो संजीव कपूर इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड शेफ ऑफ आर कंट्री राइट. बहुत फेमस है, तो उनका उनके रेस्टोरेंट्स भी हैं, सब हैं. तो इमेजिन व्हेन ही इज कुकिंग एट हिज रेस्टोरेंट, ध्यान से सुनिएगा और सही जवाब देना है ना. व्हेन संजीव कपूर इज कुकिंग एट हिज रेस्टोरेंट टू ट्रेन हिज स्टाफ. ओके, सो नाउ ही इज कुकिंग अ सर्टेन डिश टू गिव ट्रेनिंग टू हिज स्टाफ, और वो जो भी उन्होंने कुक किया, उन्होंने अपने स्टाफ को टेस्ट और टेस्ट करवाया, उनके स्टाफ ने वो चीज़ टेस्ट की, टेस्ट की, इवैल्यूएट की, वो प्रोसीजर सीखा. ओके, और उनका वो जो प्रोडक्ट है वो उनके मेन्यू में है. मेन्यू में सपोज उनके उस प्रोडक्ट का कॉस्ट, तो संजीव कपूर बना रहे 2000 रुपीज़ पर प्लेट है, उन्होंने कुछ भी बनाया 2000 रुपये प्लेट का आइटम है, उन्होंने अपने स्टाफ को सिखाया वो चीज़ बनाकर. अब आप मुझे बताइए, वो जो एक प्लेट बनाया है फ्रॉम हिज ओन हैंड्स जिसका 2000 रुपीज़ कॉस्ट है, इज इट
कमिंग अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बताओ. वॉट ही कुक? यस, मास्टर शेफ शुगर फ्री. यस, हर्ड हिज नेम? यस मैम, यस मैम. ठीक है, तो आप लोग मेरा क्वेश्चन समझ गए ना. मेरा क्वेश्चन ये है कि वो अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं, ताकि बाद में उनको नहीं बनाना पड़ेगा, उनकी जगह उनका स्टाफ बना देगा. पर फिलहाल जो एक प्लेट उन्होंने बनाया है, उसका मार्केट प्राइस है, मार्केट में ट्रेड भी होता है, पर क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. इकोनॉमिक एक्टिविटी एज फर्दर इट विल अर्न. ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नो मैम, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. एनी वन एल्स हु इज थिंकिंग दैट इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? गोइंग फॉरवर्ड वन कर रहे, ट्रेनिंग ही तो दे रहे हैं, नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. चलिए, दो इस चीज का आंसर अब आप लोगों को. सी अंडरस्टैंड, ये जो सिचुएशन है, सी अगर मैं आप लोगों से इसकी जगह पूछती कि वो अपने घर में अपनी फैमिली के लिए कुक कर रहे हैं, तो बहुत क्लियर था मैम, वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज दैट इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. ही विल नॉट गोइंग टू चार्ज पर प्लेट चार्जेस फ्रॉम हिज ओन फैमिली. ओके, उसकी फैमिली अगर उनके रेस्टोरेंट में आ गई है और वहाँ पर वो खाकर जा रहे हैं, तो भी उनसे वो चार्ज नहीं करेंगे. हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ही ऐड करके दे, बिकॉज दैट इज देयर ओन फैमिली. चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आ भी क्यों ना गए हों, पर उसमें कमर्शियल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू पे. बट अगर वो अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं, राइट, वहाँ पर कन्फ्यूजन आता है, जो कि संयुक्ता ने लिखा. वैसे काफ़ी लोगों का ऐसा कहना होता है, इस चीज़ को लेके बहुत डिबेट्स भी हुई है, इसलिए केस मैंने आपसे पूछा. द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न, राइट. द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. संजीव कपूर को बहुत ज़्यादा प्यार नहीं आया अपने स्टाफ के ऊपर कि आओ बैठो, मैं तुमको मेरे हाथ से बनाकर खिलाता हूँ. इट इज़ नॉट दैट सिचुएशन. द सिचुएशन वॉज क्रिस्टल क्लियर. ही वॉन्ट टू ट्रेन देम फॉर फ्यूचर, ही वॉन्ट टू अर्न आउट ऑफ इट, एंड दैट इज वाई ही इज डूइंग इट फॉर दैट पर्टिकुलर कमर्शियल पर्पज. बट स्टिल, क्या उस एक प्लेट से कुछ इनकम जनरेट हुई? आंसर है नहीं. क्या उस एक प्लेट से कुछ अर्निंग हुई? नहीं. पर मैम, हमने तो पढ़ा था गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, प्रोड्यूस पढ़ा था, एग्रीड, बट हैविंग सम मॉनेटरी वैल्यू. वो जो एक प्लेट उन्होंने बनाया, हो सकता है वो एग्जैक्टली उतनी क्वान्टिटी में नहीं बनाया हो जितना जनरल कस्टमर को देते हैं, हो सकता है उतना उसे अच्छे से डेकोरेट नहीं किया हो जितना जनरल कस्टमर के लिए वो करते हैं. कहीं ना कहीं पर्पस कस्टमर सर्विस नहीं था, ट्रेनिंग था, इसीलिए वो आएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में. ऐसे कई केसेस हैं, लेट मी टेल यू, स्टिल ऐसे चीज़ों पे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इस चीज़ पे यू नो डिस्कस करते हैं, दे हैव अ क्रॉस आर्ग्यूमेंट. बट लेट मी टेल यू, जब तक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है टू वे, तब तक हम उसे इनकम कंसिडर नहीं कर सकते. ठीक है, तो कोई भी गुड्स और सर्विसेज अगर हम लोग हॉबी की वजह से, लव और अफेक्शन की वजह से, या ऐसे ही कर रहे हैं. एक होटल ओनर, राइट, एक होटल का ओनर है जो एक थाली सेल करता है नॉर्मली 120 रुपीज़ में. नॉर्मल होटल है, नॉर्मल टाइप का है, 120 रुपीज़ में वो डेली थाली सेल करता है. और अगर वो थाली 5 गरीबों को दे देता है, रिड्यूस तो हुआ है, पर क्या वो सेल हुआ है? क्या पर्पस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन था? नहीं. क्या वो नेशनल इनकम में आएगा? नहीं. इनकम कहाँ है, राइट? तो वो उन्होंने क्यों किया? फॉर द डोनेशन पर्पस, फॉर जनरल वेलफेयर पर्पस. ठीक है गाइस, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसपे हम लोग कई बार डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ हर चैप्टर का हमें डिटेल सर्जरी करना पड़ेगा, तब हम सही आंसर पे आएंगे. मैम, फर्दर बेनिफिट होगा, फर्दर बेनिफिट होगा, बाद में बेनिफिट होगा, जब बेनिफिट होगा तब नेशनल इनकम में डाल देंगे. यस, करेक्ट करेक्ट, मॉनिटरी वैल्यू होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है आप सबको ये समझ में आ गया होगा. चौथा कॉन्सेप्ट एक बार मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पहले समझाना चाहूँगी. फ्लो कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम को हम कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि इट मेजर्स द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन टाइम पीरियड, दैट इज अ ईयर. ईयर टू ईयर बेसिस पे नेशनल इनकम फ्लो होता रहता है, चेंज होता रहता है. जितने गुड्स प्रोड्यूस होंगे, जितने सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, वो पीरियोडिकली अपडेट होंगे, और उससे कहीं ना कहीं हमें पीरियोडिकली पता लगेगा वैल्यू कितना है. इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस एंड अर्न इनकम. करेक्ट, बिल्कुल सही बात है. सही होता है, प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, इनकम अर्न करना ज़रूरी है. और नेशनल इनकम को हम फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पीरियोडिकली अपडेट होता रहता है. मैम, सपोज ही वेंट टू अ कुकिंग शो, प्रिपेयर सम न्यू रेसिपी फॉर विच ही डिडंट चार्ज्ड,
विल दिस बी इकोनॉमिक इफ ही इज गोइंग टू अ क्रोकरी शो और वहां पर वो कुक कर रहा है, उस प्रोडक्ट की जो MRP वो चार्ज नहीं करेगा कुछ शो पे जाने के लिए, तो ही इज चार्जिंग, वहां पर वो अपनी सर्विसेज दे रहा है उस शो पर जाकर, उस शो पे उसका प्रेजेंस अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जो भी वो चार्ज करेगा उस शो को विजिट करने के लिए वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा। वो रेसिपी की कॉस्ट वो नहीं ले रहा है, पर खुद वहां जाकर दिखाने के लिए ही विल डेफिनेटली चार्ज समथिंग। ठीक है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो इनकम का पार्ट जरूर होगा। ओके जॉय, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। अच्छे से समझ में आया नहीं है आप सबको? ओके, तो वी आर लिटिल रनिंग आउट ऑफ द टाइम। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे का जो है हमारा मेजरमेंट फ्रेमवर्क कल के स्पेशल क्लास में करते हैं, और कल के स्पेशल क्लास में मैं आपको तीन ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसका पूरा बेस नेशनल इनकम, राइट? नेशनल इनकम की जो कहते हैं ना, आई वुड से फोर पिलर्स, वो चारों पिलर्स कल हम लोग स्पेशल क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर वो रिलेशन समझ गए ना आप लोग, तो समझो पूरा नेशनल इनकम के सारे फॉर्मूलाज याद हो गए, GDP, NDP, जो भी आपका XYZ कन्फ्यूजन होता है, ग्रॉस टू नेट, नेट टू डोमेस्टिक, वो कुछ चार पांच चीज़ें हैं जो हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, वो आपका वहाँ क्लियर हो जाएगा। और कल कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नोट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं 11:45 आपके स्पेशल क्लास में। दैट विल बी फॉर 90 मिनट्स, टू सी यू देयर। कल मैं आपको यूट्यूब पर नहीं मिलूंगी, क्योंकि कल हम लोग स्पेशल क्लास में 90 मिनट्स मिलेंगे, और फिर मुझे प्लस वाले क्लास पे जाना है, वहीं पर टाइम निकल जाएगा, तो कल इसलिए हम यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। बट यस, विल अगेन मीट डे आफ्टर टुमारो। फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत इंटरेस्टिंग दिन है, क्योंकि उस दिन मेरा रेगुलर लेक्चर तो होता ही है, उसके अलावा हम लोग BSc के टूर पे भी जाते हैं। पिछले लेक्चर में आप लोग की शिकायत थी कि मैम लेक्चर बड़ा छोटा था, तो अब की बार मैं लेक्चर को थोड़ा बड़ा रखूंगी और आपकी जर्नी को और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश। ठीक है गाइस, चलो, सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, थैंक यू।